मेरा नाम कृष्ण प्रताप मलिक है। मैं 1997 में गाज़ियाबाद आया था। विक्रम नारायण त्यागी मेरे क्लासमेट थे 3 साल। मैंने 3 साल के अपने साथ में उन्हें कभी किसी से कड़वा बोलते हुए नहीं देखा, कभी बदतमीज़ी करते हुए नहीं सुना। बाद में स्कूल के बाद मेरा टच उनसे अलग हो गया और मुझे पता लगा कि वो अपने बिजनेस में कान लगे हैं, 4 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अब पिछली 26 जून से माननीय विक्रम नारायण त्यागी को पता नहीं कहाँ कौन लोग ले गए हैं और अभी तक उनका कुछ नहीं पता लगा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे स्कूल के जितने भी बंधु हैं, जितने भी साथी हैं, वो विक्रम नारायण त्यागी की आवाज़ को आगे उठाएं, इस बात को दबने ना दें जो आज विक्रम नारायण त्यागी के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ होगा, परसों किसी और के साथ भी होगा। और एक ऐसा आदमी जो कि अच्छा काम कर रहा था और हमारा स्कूलमेट भी था, हम उसको नहीं भूल सकते। ये KDP ग्रांड सवाना है, आप यहाँ पर आइए और सभी स्कूल वाले, शिलर स्कूल में जो भी विक्रम के साथ पढ़ते थे, अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो ज़रूर आइए और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराइए। और मैं आम आदमी पार्टी का आभारी हूँ कि वो इस आवाज़ को उठा रहे हैं। माननीय विधायक जी से भी उम्मीद करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस मामले को उठाएं, और भी सर्वदलों से, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबसे अपील करता हूँ। वो एक ब्राइट बिजनेसमैन थे, आगे बढ़ते हुए बिजनेसमैन थे, लोगों को रोज़गार देने वाले आदमी थे, अच्छे आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे। उनके साथ में ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा, मुझे मेरा स्कूलमेट वापस दिला दो, बस उसको वापस ले आओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं फिर यहाँ आऊँगा और आगे की जो भी स्थिति होगी आप लोगों को अवगत कराऊँगा। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पर आएंगे KDP ग्रांड समाना पे, हमारे स्कूल के बंधु, और इस प्रोटेस्ट से जुड़ेंगे। धन्यवाद।